का जो विषय है वो प्रैक्टिकल विषयों से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि हम अपने परमेश्वर के कार्य करने के तरीके में बहुत सारी चीजें हम देखते आए हैं चर्च की रीति से, लेकिन हम यहां पर ये देखेंगे कि चर्च की रीति के साथ साथ कैसे चर्च जो हमें सिखाता है, बाइबल जो हमें सिखाता है आत्मिक दृष्टिकोण में, उसके साथ परमेश्वर के और भी आयाम है जो पृथ्वी को परमेश्वर ने नियुक्त रखा चीजों को किया, ठीक। तो हम उसके लिए जाएंगे। सबसे पहले निकाल ले मेरे साथ यिर्मयाह 27 उसका 5, यिर्मयाह 27 उसका 5। वहां लिखा है, उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को, पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई बुझा के द्वारा मैंने बनाया। हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम किस परमेश्वर को मान रहे हैं, हम किस परमेश्वर को जान रहे हैं, ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कौन है, ये इज़राइल का परमेश्वर जो है वही क्या ये पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, इस बात को हमको यहां पर प्रमाण मिल रहा है स्वयं परमेश्वर के मुख से। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं अपने अपने स्वामियों से, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को, पृथ्वी पर के मनुष्यों, पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, ठीक। यहां पर एक बात स्पष्ट रीति से बाइबल में, बाइबल का परमेश्वर वो कौन है करके अपने आप को प्रमाणित कर रहा अपने मुख से। कोई ये ना कह दे कि इस पृथ्वी को कौन बनाने वाला है, किसी ने अभी तक हमको बताया नहीं, बाइबल भी नहीं बताता, यीशु भी नहीं बताता, ये नहीं बताता, ऐसा नहीं है। अब यहां पर वो परमेश्वर पृथ्वी को, पृथ्वी पर के मनुष्यों को, पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति, ग्रेट पावर और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, जिस किसी को भी मैं चाहता हूं उसको मैं उन्हें दिया करता। अब यहां पर हमेशा के लिए कुछ बातें को दे दिया गया है, ऐसा नहीं है जैसा हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि बाय डिफॉल्ट आदम को जो दिया गया बाय डिफॉल्ट शैतान ने खींच लिया, ऐसा सोचते हैं, बाय डिफॉल्ट चला गया, बाय डिफॉल्ट श्रापित हुआ, राज्य चला नहीं गया, उसको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट पृथ्वी श्राप में पड़ गई, पाप के कारण श्राप आ गया बाय डिफॉल्ट, बट द किंगडम एंड द पावर एंड द अथॉरिटी स्टिल रिमेन्स विद द लॉर्ड। आदम को राज्य का अधिकार नहीं दिया गया था, आदम को इसके ऊपर में उसको इस्तेमाल करने का आशीष मिला था जो श्राप में बदल गया, लेकिन राज्य को देने का अधिकार अब भी किसके हाथ में सौंपना, क्या करना, कैसे करना, परमेश्वर के हाथ में ही है। तो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कोई चीज होता है तो यहां पर दो प्रकार से काम होता है। जैसे अभी कई लोग मसीह लोग ऐसा प्रार्थना, प्रभु और तेरे राज्य के लोग आए या तेरे द्वार से ये आए वो आए, इससे नहीं होने वाला काम। रशिया आएगा, अमेरिका आएगा, भारत आएगा, इससे नहीं होने वाला काम। हमारे कहने से काम नहीं होता है हमारे, क्योंकि कुछ बातें होती है जो परमेश्वर सिर्फ कोई और, किसी और को, किसी मनुष्य को, किसी भविष्यवक्ता को, किसी को, यहां तक कि पुत्र के हाथ में कुछ बातें नहीं दिया है, पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है कुछ बातें, जिसमें कब और कहां, क्यों और कैसे
ये वो किसी को उत्तर देने के लिए उसके अंदर उसके ऊपर में कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना ही पुत्र। पुत्र जब संसार में आता, भले ही हम इस बात को जानते हैं कि सारा चीज पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, लेकिन अधिकार के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र पिता अपने पास रखा है, कुछ क्षेत्र जो है पुत्र अपने पास रखा है और कुछ पवित्र आत्मा अपने पास रखा है। पवित्र आत्मा के बारे में जब बात किया जाता, पुत्र ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ तो कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ मत कर देना, ऐसा करके तुम अपना ही हानि उठाओगे और उससे फिर कोई बचा नहीं सकता, वो उसका क्षेत्र है। तीनों बराबर हैं, सम्मिलित हैं, एक हैं, लेकिन तीनों एक होते हुए भी ये जो क्षेत्र वाइज चीजें हैं वो परमेश्वर। अब यहां पर जो परमेश्वर यहोवा बोल रहा है ये है, ये यहां पर जो जिक्र कर रहा है पुत्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मतलब पुत्र परमेश्वर। जब पुत्र, जब कभी भी राज्यों और अधिकार की बात आएगी, जहां लॉर्डशिप की बात आएगी, वहां पुत्र परमेश्वर आता है, क्योंकि राजा वही है। लेकिन कुछ क्षेत्र जहां पर निर्णय लेना, ये जो यहां पर जो बोल रहा है वो बोल रहा है पृथ्वी, पृथ्वी क्यों, क्योंकि कैसे हमको पता है, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ओम के द्वारा सृष्टि हुआ, शब्द के द्वारा सृष्टि हुआ, यहां पर लिखा है बाइबल में वचन के द्वारा सृष्टि हुआ, परमेश्वर ने कहा और वो हो गया, ठीक है। तो हर जगह हमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर है। अब यहां पर क्या है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता का मतलब है, यह है पुत्र परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का अस्तित्व। अब यहां पर क्या प्रमाणित होता है, यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम क्यों बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि उसके बगैर कोई चीज नहीं बनी, उसके द्वारा में तीनों सम्मिलित है, लेकिन बगैर में पुत्र ही सम्मिलित है। मतलब यहां पर जब हम बगैर उसके शब्द के बगैर वचन के बगैर कोई चीज अगर नहीं बनी कहा जाता है, इसका मतलब है वहां पर पुत्र के बगैर कोई चीज नहीं, मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर इस संसार में यीशु के नाम से आया। तो ये आराधना का विषय, सृष्टिकर्ता का विषय और लॉर्डशिप का विषय है, और वहां पर हम सही परमेश्वर के अधीन में है जो पुत्र परमेश्वर है। और जहां कहीं भी अधिकार के उन क्षेत्रों की बात आती है जहां पर किसको क्या करना, कैसे करना, क्या करना, पुत्र और पिता परमेश्वर के बीच में सामंजस्य एकदम सटीक बराबर है। जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो पवित्र आत्मा का परमेश्वर का सम्मिलित होना शामिल है। हर चीज में तीनों शामिल है, लेकिन हर चीज में अपने अपने क्षेत्र के कुछ कुछ चीजों को वहां पर साझा करते हैं, है ना, बांटते हैं अपने आपस में। तो यहां पर देखिए पुत्र परमेश्वर ने, हम जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, जिस यीशु को हम परमेश्वर अगर कह रहे हैं, तो दुनिया कहेगा 2000 साल पहले आया, 2000 साल पहले आए हुए परमेश्वर के हम क्या है, तो ये तो एक मनुष्य है, जरूर मनुष्य है, लेकिन उसके बगैर कोई चीज नहीं बना। इज़राइल का परमेश्वर कौन आएगा, वापस कौन आने वाला है, पिता परमेश्वर आने वाला है, पुत्र परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट करते हुए आएगा, जो आकर गया, अर्थात यीशु फिर से आएगा, ठीक। तो जब यीशु फिर से आएगा तो हम किसके अधीन, ऑलरेडी हम लोग हैं, हम यीशु के अधीन। क्या वो राजा है, बिल्कुल राजा है, क्या वो प्रभु है, बिल्कुल प्रभु है, क्या वो सृष्टिकर्ता है, बिल्कुल सृष्टिकर्ता। तो बाइबल के अंदर में सेनाओं के यहोवा परमेश्वर लॉर्ड ऑफ होस्ट जहां कहीं भी है वही है पुत्र परमेश्वर। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, मेरा विषय आज वो नहीं है, ठीक है, अब मेरा विषय आगे है। अब मैं ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दिए हैं, आई माइसेल्फ। अब 6वें वचन में लिखा है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दिए हैं। अब नबूकदनेस्सर को परमेश्वर क्या बोलता है, यीशु क्या बोलता है नबूकदनेस्सर के बारे में, यीशु बोलता है वो मेरा दास है, ठीक, ये समझने का विषय है, वो मेरा दास। नबूकदनेस्सर कौन है, परमेश्वर का दास है। लेकिन जब परमेश्वर का दास जब इज़राइल को जाता है और उस इज़राइल में जा करके जब अंदर प्रवेश करता है, जाकर परमेश्वर के मंदिर को तोड़ता है। अब बताइए, परमेश्वर का दास,
जिसे परमेश्वर का ये मेरा दास है मंदिर को तोड़ रहा है, मंदिर के सामानों को लूट रहा है, इज़राइल के परमेश्वर के मंदिर को लूट रहा है, उसके सामान को ला करके अन्य जातियों के और मूर्ति पूजक और उनके देवी देवताओं किसको पूज रहा है, वो अपने देवी देवता को पूज रहा है। ठीक है, यहां पर हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि उस समझने का बहुत अच्छा विषय है, जहां आज हम ये बात को देख सकते हैं कि भैया ये जो परमेश्वर है ये उस व्यक्ति को अपना दास बोल रहा है जो मूर्ति पूजक है। वाव, ये परमेश्वर को जानता भी नहीं है, अब ये जानने वाला है, इसके अंदर में इतना ताकत है, क्योंकि इसे ताकत किसने दिया, किसने इसके हाथ में उस ताकत को सौंपा, किसने कहा ये मेरा दास है। देखिए वहां पर यीशु क्या कहता है, जगह सेनाओं के वह परमेश्वर क्या कहता है, शब्द परमेश्वर क्या कह रहा है, इज़राइल का परमेश्वर क्या कह रहा है, इज़राइल का परमेश्वर कह रहा है, आगे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमारा परमेश्वर कितना व्यापक, जिसको हम संकीर्ण बनाकर छोटा बनाकर एक 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 छोटे अपने दिमाग के अंदर में स्पिरिचुअल वे में हम अपने परमेश्वर को छोटे रीति में देखने की कोशिश करते हैं, हम ये सोचते हैं वो केवल इज़राइल का परमेश्वर है, वो इज़राइल का परमेश्वर के नाम से जाना जाकर पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, ये बड़ी बात है, मतलब वो भारत का परमेश्वर है, चाइना का परमेश्वर है, रशिया का परमेश्वर है और सारे पृथ्वी का परमेश्वर, राइट अब आगे क्या बोलता है, देखिए 6 में फिर से पढ़ता हूं, अब मैंने ये सब देश सारे देश किसको अपने दास बेबीलोन इराक, बेबीलोन मतलब इराक के राजा, इराक वो मुस्लिम देश हैं, वो सद्दाम हुसैन जहां पर था उसके राजा को आप किस उसने सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वानुकंदना मृत्यु क्षेम अमृता, उसने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया, ना मंत्र जपा, ना ओम भूर्भुवस्व किया, ना कुछ किया उसने, ना तो मांगा ना तो कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं से उसे उस चीजों को दिया, अन्य जाति मूर्ति पूजक राजा को उसे अपना दास कहा, He is the servant of God, तो कोई भी आपको servant of God बोलने से आप बहुत खुश होते, wow, I am servant of God, तुम servant of God मूर्ति पूजक भी हो सकते हो, सर्वेंट अगर बोलते हैं हम बहुत बड़े परमेश्वर, सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर उसके हम सर्वेंट है, तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम्हारी योग्यता ही नहीं होगी फिर भी परमेश्वर तुम्हें योग्यता सौंपेगा, तुम्हें योग्य देगा चीजों को और योग्य बनाएगा, अधिकार देगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, तुम सोच रहे होंगे दिस इज ऑल दिस थिंग्स आर माइन, जबकि यहां देखिएगा ये नबूकदनेस्सर राजा जिस दिन ऐसा कहा, क्या इस बड़े बेबीलोन क्यों परमेश्वर ने उसको दंड दिया, आपको अगर कहानी अगर पता हो, सच्चाई अगर पता हो कि नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने दंड क्यों दिया, परमेश्वर ने दंड इसीलिए दिया क्योंकि उसने कहा क्या इस बड़े बाबुल को मैंने नहीं बनाया, ये बेबीलोन क्या मेरा नहीं, सच्चाई ये है कि उसका नहीं है, इज़राइल का परमेश्वर क्या इतना बड़ा परमेश्वर है कि कोई अन्य जाति जो उसको मूर्ति पूजा कर जो पूजता भी नहीं है उसको जाकर उस व्यक्ति को जाकर सौंप रहा है, लेकिन वो सोच रहा है ये मैंने कमाया, इसीलिए अन्य जाति हो या परमेश्वर के लोग घमंड परमेश्वर का घमंड करने पर दोनों को दंड परमेश्वर से ही मिलता है, जितने भी कहानियां घमंड करने के द्वारा आज भी इतिहास में, अभी एक हफ्ता एक महीना दो महीना तीन महीना पहले ईरान की हालत को देखिए, ईरान को भी परमेश्वर ने अभिषिक्त ठहराया था, आज जो ईरान है जो इज़राइल के खिलाफ में है उसको भी परमेश्वर ने अपना दास और अपना अभिषिक्त उसको तो अनॉइंटिंग ही दिया था, विशेष इसको अनॉइंटिंग तो नहीं दिया,
लेकिन इसको उसने कहा ये मेरा दास है, मतलब क्या मालूम है। नाउ वी हैव टू डिफाइन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ गॉड। इट मींस by your will or without your will, you will be utilized by the living God who is the creator of this world, creator of this earth. I won't say world, I would like to say earth. इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपसे आपकी मर्जी या मर्जी के बगैर आपसे अपना काम लेगा। अब इस जगह में इसको मैं रोकता हूं, इस स्थान पर रोक करके मधुमक्खी के पास आता हूं, मधुमक्खियों के पास। मधुमक्खियों में रानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे सर्वेंट मधुमक्खी होते हैं। पृथ्वी पर दुष्टात्मा रानियां होती हैं और उसके सर्वेंट्स होते हैं, पृथ्वी के दुष्टात्मा, जो पहाड़ों वाली, ये वो वाली, ये वाली जो सुनते हैं ना। परमेश्वर, मैं यहां पर इसलिए रुका हूं, आप और हम में कोई अपने घर की रानी और अपने डिपार्टमेंट का राजा होता है, कोई अपने दुकान का राजा और दुकान में नौकर होता है, कोई अपने कंपनी का मालिक और उसका कोई वहां पर नौकर होता है, कोई अपने घर में कोई जो मां है वो रानी होती है, वो राजा का भी रोल अदा करती है कई बार। कोई पिता अपने घर का राजा होता है, कोई बेटी अपने घर की रानी होती है और कोई बेटा अपने घर का राजा। आपको अपने मुंह से देखिएगा, ये मेरा राजा बेटा है, ये मेरी रानी बेटी है। याद रखिएगा कि पृथ्वी भर, पृथ्वी के अंदर, जमीन के नीचे और चींटियों से लेकर जंगल के तक हम जाते हैं, हम इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं। हर जगह जंगल का राजा कौन बोलने से एक छोटा सा प्राणी वाव करके आता है, शेर, जंगल का राजा। ये सुंदरियों की रानी, द क्वीन ऑफ नर्सेस, द नाइटिंगेल, ये कोकिला, ना संगीत की रानी, उसका राजा। हर एक जगह में कोई ना कोई अपने अपने घर का भी राज्य होता है, हर जगह में। और परमेश्वर, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे परमेश्वर के लोग, चाहे इज़राइल, इज़राइल को आप परमेश्वर के ही लोग मत समझिए। परमेश्वर अपनी ओर से उन्हें चुना, उन्होंने अपनी ओर से अपने आप को सबमिट नहीं किया। आज इज़राइल यीशु को न जानते हुए भी इज़राइल परमेश्वर के जन है। हम हो सकता है परमेश्वर को न जानते हुए भी हम परमेश्वर के दास हो सकते हैं। इसीलिए वचन में कई जगह लिखा है, तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारे राजा, तुम्हारे प्रधानमंत्री, ये मेरे दास हैं। मतलब क्या हुआ? क्या वो उन्हें मानते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप मानते हैं तब आपको देखिए। इसलिए मैं कुछ चीजों को बताता हूं। आत्मिक दृष्टिकोण में हम जो बाइबल पढ़कर जो चीजों को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमारे लिए एक प्रभु और एक राजा होता है और हम अपने आप को उसके सेवक मानकर चलते हैं। लेकिन एक हकीकत और एक है ना, जहां पर एक हकीकत और एक है, जहां पर परमेश्वर हमें अपनी जिम्मेदारियों को देता है, भले हम उसे जानते हो या ना जानते, और वो अपनी ओर से हमें अपना दास कहता है। कोई जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना करें 24 घंटा, या फिर आप 2 मिनट प्रार्थना करें या प्रार्थना न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नियुक्ति जो है, वो बातें जो हैं, वो परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं। हमारा कोई अचीवमेंट नहीं, हमारे अचीवमेंट की कोई भी बात यीशु नाम से स्वर्ग तक और स्वर्गीय बातों तक रहता है, लेकिन परमेश्वर की बातें, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, वो हमें जब देता है राजा बनकर, तब हमें बोलता है अंडरस्टैंडिंग को खोलो, ओपन योर अंडरस्टैंडिंग, खोल अपने अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं जिसे तुम सामने देख रहे हो वो परमेश्वर का जन हो, अर्थात परमेश्वर का दास हो, उसके उस यूनिवर्सल प्रकृति के अनुसार। तो मैं आपको एक टर्म दे देता हूं ताकि आपको आगे के लिए समझ में आए, यूनिवर्सल डिसीशन, यूनिवर्सल नियुक्ति,
यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट, यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट और डिस्टाइन स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. ए मैन ऑफ गॉड हु थिंक्स इन हिमसेल्फ इन ए स्पिरिचुअल वे कैन बी अपॉइंटेड बाय गॉड इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल्सो द किंगडम ऑफ वर्ल्ड. वो जो व्यक्ति, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि किंगडम ऑफ गॉड वाला हमेशा किंगडम ऑफ वर्ल्ड के अधीन में रखा जाता है. द की पोजीशन एंड द कंट्रोलिंग पोजीशन इज ऑलवेज गिवन टू द स्पिरिचुअल गाइडर. पर इसीलिए क्या होता है, लोगों ने इस बात को समझा, परमेश्वर के काम करने के पैटर्न को, तो स्पिरिचुअल बातों को राजा नहीं बनना चाहते, राजा को कंट्रोल करने वाला बनना चाहते. वैसे अपने घर में, हम अपने अपने घरों में जो हेड होते हैं उनके जो साथ रहते हैं, हेड जो रहते हैं जिस घर में, उनके साथ वाले कैसे हैं वैसा वो घर बनेगा. राजा के साथ वाले सबॉर्डिनेट्स दे यूजुअली टर्न द डिसीजन बाय द जस्ट. कैसे होता है, वो रहेंगे पीछे. एक बोट सामने चल रहा है, हैया हैया, इनके हाथ में उसका रडार होता है, वो सिर्फ एक थोड़ा सा चप्पू पीछे पकड़कर ऐसा घुमा देंगे. चलाने वाला पूरा मेहनत करके आगे जा रहा है, मोड़ने वाले ने अपने. इसीलिए पौलुस ने कहा कि एक जबान चीजों को जरा ऐसे कर दे तो वो बोट ऐसा घूम जाए, जरा ऐसे कर दे तो. शैतान क्या करता है, इन्हीं को इस्तेमाल करता है. बी अवेयर ऑफ द पीपल हुम ट्राई टू कंट्रोल यू बाय द वर्ड्स. आपके घर में, आपके राज्य में, आपका जो राज्य है, आपको मैंने बोला सिटी का राज्य है, सिटी का राजा उसका क्वीन है. दुष्टात्माओं में भी ऐसा है, जानवरों में भी ऐसा है, मनुष्यों में भी है. परमेश्वर तो सब कुछ देता है, हम करते कैसा है. इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट द पर्पस है, द पर्पस फॉर विच गॉड हैज डेस्टाइंड यू, देन यू विल हैव द, यू हैव टू आस्क द अंडरस्टैंड, बुद्धि मांगो ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारी ताकत के साथ जब तुम बोट को आगे ले जा रहे हो, उसको कोई अपने चप्पू से, चप्पू बोलते हैं ना, मतलब उसको जो क्या बोलते हैं उसको, उसको जो जो पीछे में रहता है उसको जरा सा घुमाकर तुम्हारे सारी एनर्जी को, जिंदगी को यू टर्न न करके आप तो चलाते रहोगे, आपको तो पानी दिखेगा, आपको दिशा समझ में नहीं आएगा, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत किए थे. आप जीरो हो जाओगे जहां से आपने शुरू किया, आप कहां से निकले, कहां पहुंचे, फिर वापस वहां चले गए, क्योंकि एक दिशा देने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ में है, वो परमेश्वर, उसकी आत्मा, उसके लोग होने चाहिए, शैतान के लोग नहीं होने चाहिए. या फिर शैतान, वो भी परमेश्वर की जन होने की जैसा एक्टिंग होगा, लेकिन जबान, एक आइडिया, एक छोटी सी आपके अंदर की सोच को, वो ना, मैं नहीं समझता वो सही है, बस खत्म, मेरे को ना ऐसा लग रहा, खत्म. मेरे को ऐसे लोगों को बहुत सपने आएंगे, ऐसे लोगों को बहुत, क्योंकि उनके मन के मुताबिक अगर चीजें नहीं होती हैं तो वो बहुत सारे सपनों के द्वारा से, सामने वाला अगर स्पिरिचुअल है उसको रोज बुच्चर जैसा काट के रख देंगे. वे ऐसे ऐसे सपनों को लगकर खड़ा करेंगे कि सामने वाला सोचेगा परमेश्वर बात कर रहा है, जबकि परमेश्वर बात नहीं कर रहा है. यहां मैं क्यों सबॉर्डिनेट, क्यों आपके सेकेंड पोजीशन वालों का बात कर, क्योंकि सेकेंड पोजीशन वाला ही ऊपर के पोजीशन वाले को कंट्रोल करता है. अगर कोई ऊपर का पोजीशन वाला कोई अच्छा परमेश्वर के कोई काम को करने की सोच रखता है, तो सेकेंड पोजीशन में कोई भी अगर है, इसीलिए पत्नी, इसीलिए सेक्रेटरी, इसीलिए ऐसे लोग जो, अगर पति अगर वहां पर कोई स्ट्रांग पोजीशन में है तो उसको, राजा अगर पति है तो पत्नी आएगी, तू ना पिलातुस की पत्नी आई और उसको स्वप्न आया, और उससे क्या, वो धर्मी मनुष्य है, उसको तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत. पत्रस को जब, पत्रस ने कहा प्रभु तू मरना नहीं, नो 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 नो, दैट इज बैड, दैट इज बैड.
तू मरना नहीं। ऐसा बोला हा? तो यीशु ने कहा, शैतान मेरे पीछे से, मेरे सामने से दूर हट जा। परमेश्वर की योजना अगर मरकर जी उठने की है तो शैतान की योजना तुझे मरने नहीं देने की है। लगेगा कि दिस इज अ वेरी गुड काउंसिल बट दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड बट फ्रॉम सैटन। अच्छा तो लग रहा है बातें, अरे प्रभु तू मरना नहीं। यीशु बोल रहा है शैतान, कई बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बहुत तकलीफदायक दिखेंगी, यहां तक कि मृत्यु तुल्य दिखेंगी, लेकिन वो योजना है। उसके विरोध में संसारिक बुद्धि, अपने प्रेम और शारीरिक प्रेम के द्वारा शैतान को जबान से मत लाओ। डोंट गिव अ रॉन्ग काउंसिल ऑफ सैटन इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड एंड द गॉडली पीपल्स लाइफ। You may think, अभी यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक आगे पढ़ने वाला हूं। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने दंड दिया एक समय। उसने उस नबूकदनेस्सर राजा के बेबीलोन शहर के नाम को लेकर प्रकाशित वाक्य में बड़े बड़ी भविष्यवाणियां उस नाम को लेकर, नहीं उस देश को लेकर, नहीं उस नाम को लेकर, उतना ज्यादा द फ्यूरी ऑफ गॉड द रेथ ऑफ गॉड केम अपॉन दैट वर्ल्ड केम अपॉन दैट कंट्री एंड द पीपल। इवन नाउ इट इज डिस्ट्रॉयड एज पर दैट प्रोफेसी दैट हैज हैपेंड। अभी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है वो बेबीलोन जो इराक है, ठीक है। परमेश्वर का वो आग, वो बात देखिए वहां पर क्या है, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं ताकि ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस में लेकर बता रहा हूं आज की जिंदगी में असल में हो क्या रहा है, और इसके बाद बताऊंगा कि असल में और परमेश्वर योजना बनाता है क्यों, क्यों वाई करके क्वेश्चन पूछूंगा या वाई करके उसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वाई गॉड डिडंट गिव इज़राइल द प्लेस दैट वॉज गिवन टू बेबीलोन। यहां देखिए थोड़ा आगे, यहां लिखता है 6 यर्मिया 27:6, अब मैंने ये देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दिए हैं, और क्या क्या दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। देयर इज अ प्ले टाइम, देयर इज अ स्पेस, देयर इज अथॉरिटी दैट गॉड गिव्स टू द अन्य जाति, टू द जेंटाइल्स ऑल्सो एंड मोस्टली टू द जेंटाइल्स, बिकॉज the last days when it will come, it will be the millennium year and the kingdom of God will be settled upon this earth itself. इस पृथ्वी ऊपर में परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा, लेकिन उसके पहले सारे मौके अन्य जातियों को दे रहा है। ये वो समय चल रहा है, अन्य जातियों का समय। तब से लेकर अब तक, आगे भी, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। लेकिन ये समझने की जरूरत है, वही चीज बड़े लेवल में, छोटे लेवल में, छोटे लेवल में, घर में, ऑफिस में, हमारे इलाके में, और हम कहां पर राजा बनाया है। सिर परमेश्वर बोले मैं तुम्हें पूंछ नहीं बस सिर बनाऊंगा। जब सिर बनाया तो कहीं ना कहीं तो हेड बनाया होगा, तो आपका कोई राज्य का कोई अथॉरिटी का कोई प्लेस होगा, वहां पर भी आप जांचे जा रहे हैं, और वहां व्यक्तिगत जिंदगी में आप का काउंसिल कौन कर रहा है। इज इट समवन हु इज मोर लाइकली टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, जहां परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, संसार की बातें बहुत अधिक हो रही हैं। संसारिक मतलब संसार की बातों का मतलब क्या, क्या ये लोग जो संसारिक काउंसिल देते हैं, शैतान के काउंसिल को देते हैं, क्या वे धर्मी नहीं है? बिल्कुल धर्मी है। क्या वो परमेश्वर मानते हो? सकता मानते हो। मैं कह रहा हूं इस बात के बनिस्बत की वो लोग परमेश्वर में हो या ना हो, ऐसी चीजें हर इलाके, हर जगह और हर स्थान पर परमेश्वर ने नियुक्त रखा है। वो परमेश्वर को जानते हुए होंगे, आपकी जिंदगी में कौन आया हमको पता नहीं, मेरी जिंदगी में कौन है मुझे पता नहीं। द काउंसिल शुड बी नॉट ऑफ दिस फ्लैश। काउंसिल, फ्लैश का मतलब कार्नल। ये काउंसिल कार्नल, अपनी बुद्धि, अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर ना, नो एक्सपीरियंस, ओनली गॉड एंड गॉडली। यहां पर क्या है, कई चीजें हैं जो ये जानने जाते लोग हैं, ये कुछ चीजों को तो बदल नहीं सकते, ये कुछ चीजें इनके हाथ में दी गई। जैसा मैं बता रहा हूं देखिए, वैसे हमारे हाथ में कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, और कुछ चीजें हमारे हाथ में। हम बोलेंगे, अगर हमारा हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा,
अगर हमारा परमेश्वर इतना बड़ा सृष्टि करता ये वो बोलते हैं, why we are not the heads of this world, why we are not in the topmost position, because the time that has been given to the Gentiles and the other groups, वो उनको दिया गया समय है। लेकिन ये सब चीज ये कितनी क्षणिक है और कितनी साधारण है ये हमको समझ में, हम जो इस वक्त नबूकदनेस्सर की बात कर रहे हैं वो यीशु के आने से करीब करीब 600-700 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो आज जब हम बात कर रहे हैं हमारी औकात क्या है, हमारी उम्र के हिसाब से 100 साल, 120 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, यही है। लेकिन हम इस बात को जिक्र करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा परमेश्वर काम करता है, क्योंकि क्यों मैं ये सब चीज को क्यों समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। मान लीजिए मेरे पास 1 घंटा है, ठीक है, इस 1 घंटे को मैं 100 करोड़ का वर्थ अगर मुझे बनाने का मौका है और 1 पैसा बनाने का मौका दोनों है, तो मैं अगर बुद्धिमान हूं तो मैं क्या बनाऊंगा इसे 100 करोड़। द वैल्यू ऑफ द वर्थ that I am having the time of that 1 hour, I should operate in such a way कि मैं उसे 100 करोड़ उसमें बनाने का अगर मौका है तो मैं उसे बनाऊं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वर्थ की बात कर रहा हूं। तो वैसा ही यदि हम कुछ बातों को नहीं समझेंगे अभी, तो जो जिंदगी हम जी रहे हैं खा पी के चले जाएंगे और हम यही संसार के काम को ऐसा करते चले जाएंगे मानो उसका कोई भी ध्येय हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे पास दिए गए मौके, हमारे पास दिया गया समय, उस वर्थ को आप परमेश्वर के राज्य में कैसा वर्थफुल बनाएं, ये आपको आत्मा में जानने की जरूरत है। कैसा वर्थफुल बनाएं, ये तब होगा जब हम इन बातों से समझेंगे कि परमेश्वर, क्योंकि हम कितना कंफ्यूज रहते हैं, अरे वो तो इसकी पूजा करते, वो तो उसकी पूजा, फिर लोग इतने बड़े कैसे हैं। It has been given by the will of God to us an authority to earn the authority to be kept adhin, उनके अधीन रखा गया है उसी परमेश्वर के द्वारा एक मकसद से जो हम इसके अंत में समझेंगे। तो क्या यह बड़ी बात नहीं कि कोई उस पोजीशन में हो, इतने बड़े पोजीशन में, तो क्या उस जगह हम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमें रखने वहां पर हमको बोलता है कि इसमें तुमको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तुम समझोगे तो 1 घंटा तुम्हारा वर्थ 100 करोड़ का हो जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो आधा पैसा का भी 0 वेस्ट ऑफ लाइफ। हम नाम भी कम, कितना नाम का, आपका ध्येय इस बात पर नियुक्त हो जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। आप सोचेंगे इस संसार में सबसे बड़ा और आशीषित व्यक्ति मैं बन जाऊं, और आपका ध्येय पूरा संसारिक लेवल में रहेगा। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी उससे बड़ा, उससे कई गुना अधिक और उससे बहुत और बेहतर स्थान पर रखने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त रखा होगा, जो आप वंचित हो जाएंगे अगर ये अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझे। कैसे? जब एक मालिक, यीशु ने बोला था, एक मालिक जाता है किसी को 2 सिक्का, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 8 देकर चला जाता है। लेकिन एक वाला क्या करता है, कम है मेरे पास, ऐसा करके गाड़ के रख दो, बाकी उसको बढ़ाता, व्यापार करता। बोला यहां परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता की बातों में जिसके पास 2, 5, और 10 का था, जिसे उसने व्यापार किया और बढ़ाया, ये व्यापार अंडरस्टैंडिंग है। और उसका एक नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग, हमको तो है ना, हम तो क्या है, एक ऐसा ऐसे देश में हमको जाना है, ये देश हमारा परदेश है, हमको जाना, वो सुंदर सा गाना, वाव है ना, हमको जाना है वहां, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ कुछ भी नहीं हमारा, हमारा कुछ भी। अगर ऐसा होता कि इस संसार में कोई बात की तो हम संसार में आते ही नहीं। We have been kept, not sent. I will not say sent. Why? Because the sent means only the word of God was sent. All the others who got the opportunity to get born on this earth through father and mother, they are kept. They were assigned or they were designated by God for a purpose.
वो पर्पस जब तक, क्योंकि हमारी बातें अनंत काल की, इनकी बातें पीरियड की है। हम जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं इनका एक समय नियुक्त है और हमारा अनंत काल का समय नियुक्त नहीं है। तो परमेश्वर उन बातों को बाद में करने की कोशिश करेगा और इन बातों को पहले निपटाएगा, लेकिन उन बातों को परमेश्वर पहले ही हमारे जिंदगी में पूरा कर दिया। He has made us eligible to be a part of that अनंत काल का किंगडम, अनंत जीवन में प्रवेश की बातों को हमारे जिंदगी में पूरा करके छोड़ दिया। छोड़ दिया, फर्स्ट में कंप्लीट कर छोड़ दिया, किसी को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। अब संसार में इन बातों को बड़ा बड़ा, ये राजा है, ये वो है, ये मालिक है, ये हमारा फैक्ट्री का ओनर है, ये यहां भी करेगा, बट पर्पस ये नहीं है हमारा। समझने का पर्पस हमारा है, बिकॉज हम अनंत काल के लोग हैं। तो मतलब अनंत काल कहां शुरू होता है? यही से, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है। द मोर वी विल अंडरस्टैंड, द मोर वर्थफुल वी कैन मेक अवर लाइफ ऑन दिस अर्थ। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैं अमेरिका का राजा प्रेसिडेंट बनकर और ये बनकर परमेश्वर मेरे लिए, प्रभु मैं भी किसी राज्य का प्रेसिडेंट बन जाऊं, संसार में और शरीर में जब तक इस चीज की जरूरत है, और वो भी जरूरत है, वो भी बनाएगा, बट लेट ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन हिज विल एंड हिज प्लान। अब यहां पर मैं पढ़ रहा मैदान के जिसात को पढ़ता हूं, ये सब जातियां उसके 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 बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, उस समय तक, किस समय तक? उस समय तक जब तक उसके भी देश का दिन ना आए। आपका राज्य उस समय तक जब तक कि आपका दिन ना आए, आपके बॉस का समय उस समय तक जब तक कि उसका दिन ना आए। यीशु जब जन्म लिया, हेरोदेस और उसके लोग जो वहां पर थे, उसके दिन आने तक परमेश्वर को भी इंतजार करना पड़ा था। He was kept out of Israel into Egypt 7 साल, जब तक कि वो मर नहीं गए, उनका समय आने तक। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कौन सा समय? ये कौन दिया? और दूसरा कोई परमेश्वर है क्या जिसने उस समय को दिया? वही परमेश्वर है, सेम गॉड इज सेम। तो परमेश्वर सेम है, जब परमेश्वर सेम है तो फिर वो बदलता क्यों नहीं इन चीजों को? ए प्रभु मेरे बॉस को हटा दे, नहीं हटेगा उसका समय। मैं कुछ कुछ गवाही देता हूं यहां पर। जब जब भी किसी बॉस को, किसी मंत्री को, किसी कुछ भविष्यवक्ताओं को, कुछ लोगों को ये अभिषेक मिला हुआ है कि उनके बदलने के समय वो उसके समय वहां जाकर पहुंच जाएंगे। एर्मिया उनमें से एक था, वो जाता था, बोलता था, वो राजा बदल जाता था। मेरे को बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारे मौके। शिवसेना के समय मौका मिला, बीजेपी को उमा भारती के समय मौका मिला, येदुरप्पा के समय मौका मिला, अजीत जोगी के समय मौका मिला। जब जब भी मेरे को बहुत सारा मौका मिला, बहुत सारा। और अफसरों का, एक बार की बात है, बीदर करके एक जगह है, मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा जो वहां पर उस समय था। तो वहां पर कृष्णा मैडम करके एक स्कूल, कॉलेज में प्रिंसिपल थी, और उसके ऊपर में कुछ गलतियां हुई होंगी उधर में, है ना, वो चिटिंग उटिंग सब होता था वहां पर। तो इनका, उनको पता नहीं था, इनका नाम पता भी था या पता नहीं था वो सब परमेश्वर जानता, लेकिन इनका नाम उसमें जुड़ गया था, तो इनके ऊपर केस लग गया। तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था और डीडीएम, क्या बोलते उसको, कलेक्टर जो था, वो एक्शन लिया और सब कुछ करता रहा। ठीक है, अपना सरकारी हिसाब से एक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन वो इस हद तक चला गया कि उसने उसको पर्सनल रीति से लिया। पर्सनल रीति से लेकर मैं उस समय उस मैडम और उसके परिवार से थोड़ा नाराज चल रहा था 1 साल के लिए। तब हुआ ये कि वो फिर मेरे पास में घर में आए, आने के बाद मेरे को आकर कहने लगे कि भैया आप क्यों नाराज हो गए, बात नहीं करते ऐसा, बहुत परेशानी ये है वो है। वो हमारे कॉलेज का ऊपर का 2 माला तोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया है और हमको बहुत परेशान कर रहा है। 5 साल चला उनका वो जो केस था, 5 साल के करीब। तो जब वो रात को आए मेरे पास, अब सुबह आकर के रात को बोले, रात को 11:30 बजे, तो मैंने सुना, गुस्सा तो था उनके ऊपर मुझे,
कुछ बातों को लेकर, और मैं थोड़ा सा गुस्सा वाला हूँ, ठीक है। तो गुस्सा तो था और मैंने बोला हाँ ठीक है, अब क्या चाहते हो तुम कि क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरे अंदर में क्या है, एक तो रॉयल ब्लड है ना, हमारे शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज वाला जो खून है ना, तो वो तो थोड़ा अग्रेसिव रहता है। ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ्य सच्चाई को थोड़ा सा दुनिया से थोड़ा हटकर थोड़ा 2% ज्यादा समझता हूँ। उस कारण से क्या हुआ, मुझे समझ में आया ये वो समय आ गया है उस, क्योंकि मेरे पास, मैंने परमेश्वर से मांगा है, मेरे पास कोई आता है तो परमेश्वर तेरी योजना में है तू ही आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इसलिए हर चीज होता है, तो लोग सोचते ये करता मैं नहीं करता, ये मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य और मेरे परमेश्वर का अधिकार का क्षेत्र है। जब कोई टकराता है तो उसका समय आता है तभी टकराएगा, नहीं तो तब तो मेरे से बहुत अच्छा रहेगा, और टकराने की जब आएगी तो समय आएगा तो टकराएगा। तो वो व्यक्ति का समय आ गया जो वहां का कलेक्टर था, रात को 11:30 बजे आकर बोलता है कि वो एक महीने में अगर उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो ना अच्छा है, हमको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं बोला तुम जा सोचो, कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। उन लोग चले गए अपने बेडरूम में, हमारे घर आए थे, चले गए सो गए। अगले दिन सुबह 7 बजे 7:30 बजे वो उनका पति प्रवीण राठौड़, जो आजकल बात नहीं करता मेरे से, लेकिन उस समय क्योंकि अपने आप को जो होशियार समझते हैं ना वो थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हैं, फिर बाद में समय भी आएगा ठीक है। लेकिन वो आकर दौड़ दौड़ कर भैया 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 क्या हो गया, जो बोलता है वो कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। कब हुआ? रात को 1 बजे। कौन सा कलेक्टर का ट्रांसफर रात को 1 बजे होता है? क्या मैंने कलेक्टर बगला मुखी यंत्र तो बुंगला यंत्र तो ये ऐसे किए क्या? परमेश्वर की सामर्थ्य, जिंदा परमेश्वर को जान और उसको समझने पर वो जो करता है उसको तुम देख सकते हो। I was rest assured, ये परमेश्वर का बात है तो करेगा ही करेगा। इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि करेगा ही करेगा, things will happen। उसको भी किताब लिख सकते हैं। सुबह 7 बजे आकर बोलता है, रात 1 बजे उसका ट्रांसफर। कैसे पता चला? रात को बालकी नामक एक जगह है, वहां पर एक बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड का छत नीचे गिरी इसके अंडर में था। इस आदमी ने किस चीज की बात की थी जरा सोचिए। इनके नूर कॉलेज के ऊपर के 2 फ्लोर को तोड़ने की बात की थी। क्या तोड़ने की? आज मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ सुशीला सिस्टर सुभाष ब्रदर को कि उनके घर का छत बना, उनके स्कूल का एक साइड का एक छत बना है, कंप्लीट हुआ आज। उनको कंग्रेचुलेट करो, छत की बात चल रही है तो मुझे याद आया, आज शाम को ही उनका कंप्लीट हुआ है ना। परमेश्वर ने उनके अनुग्रह दिया कि एक छत का बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो छत उनका आज बना है। अच्छा बड़ा सा कमरा बनाए हैं, बड़ा सा रूम्स बनाए हैं उसका। तो उनको मैंने ऐसा प्रगति करते हुए देखा है, तो आपको बधाई हो छत का। लेकिन उस आदमी का जो बस स्टैंड में वो जो कलेक्टर था से बोला इनके 2 छत को गिरा दो, इसके अधीन में जो छत बना था बस स्टैंड गिर गया रात को 1 बजे। आपको क्या लगता है कैसे गिरा होगा? परमेश्वर के लोगों से टकराना नहीं, परमेश्वर की बातों में साधारण मत समझो। तो कलेक्टर होगा या मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा या देश पूरे यूनाइटेड नेशन का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर वही है। द कलेक्टर को भगाएगा, अगला भी बताऊंगा। तो रातों रात उसका ट्रांसफर हो गया और अब तक उस जगह में वापस नहीं आया। उसको वो अधिकार का पोजीशन, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। उस शहर के अंदर का रोड जो भी बना तोड़कर बनाना, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बहुत अच्छा काम करने से, प्रभु का दास होने से मतलब नहीं, प्रभु के लोगों को भी पहचानो और तुम्हारे अंत घमंड के कारण ना हो। वो अन्य जाति था कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दिया, उसको स्थान पर नियुक्त रखा, एंड उसके बारे में परमेश्वर से पूछेंगे तो बताएगा हर्षवर्धन को मैंने उस जगह में रखा है, वो मेरा दास है। तुम दास हो ना तो अपने मालिक स्वामी से उसकी आज्ञा को जानो, उसके आज्ञा के साथ साथ उसके मन को भी पहचानो।
परमेश्वर की अधिकार जब आपके हाथ में रहता तो आपको लगता कि मैं सब कुछ हूं। आई एम डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, यू कैन नॉट डू अंटिल अनलेस इट इज हैड हैज नॉट बीन गिवन बाय गॉड। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वेदर इट इज वॉर इज हैपनिंग और वॉर इज नॉट हैपनिंग कुछ, लेकिन उसमें जो मंशा की बात है, जो मन को जानने वाली बात है, वो गैप है जहां आप अपने लिए जिंदगी में जजमेंट को लेते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर बोलता है जब परमेश्वर ने किसी को अन्य जाति को अगर नियुक्त कर दिया तो तुम परमेश्वर के लोग हो बोलकर उसके विरोध में बात करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यू हैव टू रेस्पेक्ट द प्रोविजन ऑफ गॉड, whether it is for अन्य जाति Gentiles, whether it is from the person of God, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने जिसे नियुक्त रखा उसके अधीन होना तुम्हारा काम है। मैं किसी को नहीं मानता, तेरा जिंदगी का आशीष रुक जाएगी। मैं ये नहीं जानता, तुम्हारी जिंदगी का आशीष। इसीलिए क्यों माता पिता का आदर करना बोला, क्योंकि अधिकारी बनाकर रखा और उसने परमेश्वर ने नियुक्त रखा, नहीं तो तुम माता पिता होते और वो तुम्हारे बच्चे होते, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए उसकी आज्ञा को मानने के लिए यह समझ कर रखना जरूरी है कि वॉट ही हैज डिस्टाइंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट विद द होल हार्टेडनेस। तब आप जो परमेश्वर को मानते हो आत्मा में, बुद्धि में, फैज जगह में और चीजों में आशीष पाओगे, तब आशीष पाएंगे। तब हम आशीष पाएंगे। यहां पर लिखा है साथ में वे सब जातियां उसके उसके बाद उसके बेटे। देखिए परमेश्वर यहां पर क्या रखा इसका इसके लिए। अब मान लीजिए नबूकदनेस्सर चला गया और वहां पर को परमेश्वर का दास चला गया। आई प्रे दैट नबूकदनेस्सर का बेटा यहां पर प्रधानमंत्री ना बने, नहीं चलेगा। अरे उसका पोता प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, नहीं चलेगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दिस इज बीन डेस्टाइंड बाय द लॉर्ड ऑफ होस्ट। यीशु ने नियुक्त कर दिया है, वो शब्द को कोई बदल नहीं सकता। तो यहां पर क्या बोलता है, उसके अधीन रहे, जीव जंतुओं को भी अधीन रख दिया, ये सब जातियां उसके बाद उसके बेटे पोते अधीन उस समय तक। लेकिन कब तक, वो इनके हाथ में है। कैसे कैसे पता चलेगा इनके हाथ में है? यीशु ने बोला अंत का दिन कब आएगा प्रभु, वो सिर्फ पिता जानता है। वो नियुक्त है कब करके सिर्फ पिता जानता है। यहां पर इनके हाथ कई चीजें हमारे हाथ में होती है। कैसा, ये राज्य दिया और राज्य अभी मान लो परमेश्वर ने बोला, जरा सोच कर देखिए, जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेगा उसको लंबी आयु परमेश्वर देता, बोल दिया। अब उसमें से कुछ आए और उन्होंने लंबी आयु को खो दिया, तो इसका मतलब इसके बेटे पोते और पर पोते तक जब बात जा रही है, उसमें सब दो दो साल चार साल से जिंदा रहने वाले अगर लोग होंगे तो कैसा होगा, ये दो साल वो चार साल, तो उसका राज्य 10 साल में खत्म हो जाएगा। सब उदंड बेवकूफ और ऐसे निकले नालायक अगर निकल कर आएंगे, इतने लंबा जाएगा क्या? वो लंबा का जाना और नहीं जाना इनके हाथ, बेटी भी आया पोते भी आया पर पोते सब एक ही 10 साल में चले गए, तो ओके खत्म नबूकदनेस्सर का राज्य। आशीष भी कहो, हमारी जिंदगी में भी आशीष की लंबाई इस बात पर नियुक्त रहती है कि हमने परमेश्वर को कितना और कैसे जाना है। हम नियुक्त हैं, हमारा आशीष नियुक्त है, कितना लंबा वो आप और हम पर डिपेंड करता है। वो परमेश्वर हमारे हाथ में छोड़ा है जिंदगी तुम्हारा, तुम प्रवेश करो, श्राप में प्रवेश करना वो भी तुम्हारे हाथ में है। कैसे प्रवेश तुम करते हो, तब उसमें परमेश्वर ने बोला जब तक, क्या बोला, उसके अधीन रहे उसके बाद उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए, उसके भी देश को जो, क्योंकि अलग देश अब उसके आगे दूसरा देश आएगा, ठीक, दूसरा राज्य। जब तक मैंने बोला था पहला वाला संसारिक आत्मिक दृष्टिकोण में मिलेनियम जो आने वाला है, उसके पहले संसार की सारी चीजों को परमेश्वर ने ऐसा बांटा है और अपने आप से दिया है। He has given, not to Israel, Israel तो अब भी बन रहा है, अभी बना हुआ है, अब बना है। ये कब हुआ? वैसे हमारा घर का राज्य, आपके ऑफिस का राज्य,
आपके परिवार का राज्य, वहां भी चीजें ऐसे ही हैं। वहां भी परमेश्वर ने दिया है कुछ चीजें वे अपने आप से, कुछ चीजों में आपको तकलीफों को उठाने के लिए छोड़ा है। जब ऐसा छोड़ता है इसका मतलब है द मोर गॉड इज विथ यू, यू विल हैव टू फेस मोर स्ट्रगल। उस समय में आप अन्य जाति मतलब एक ऐसी बुद्धि को लेकर के, कार्नल बुद्धि को लेकर के तकलीफ कई, इसको क्यों तकलीफ है, यीशु को क्यों तकलीफ आया भैया, ये जो बोल रहा है यहां वो परमेश्वर संसार में आया तकलीफ उठाया। सोचिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितना आप यीशु के नजदीक होंगे आप उतने ऊंचे भी उठेंगे लेकिन तकलीफों के साथ। उस समय में परमेश्वर क्या करता है, इज़राइल के दाऊद के तकलीफ के समय में दाऊद को जितने लोगों ने साथ दिया सुलेमान ने उन सबको अपने साथ जोड़ा। जितना इज़राइल ने तकलीफ उठाया उतना उसने आज उसे ताकतवर बनाया। जितना इज़राइल ने तकलीफ उठाया आज सारे देश, पूरी पृथ्वी के लोग मिटा नहीं सकते, उतना स्ट्रांग बना दिया। इतने से जगह को, आप भी इतने से हैं, आपको कोई मिटा नहीं सकता। यदि आप वैसा ही हैं, नहीं है मिट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक फूंक में खत्म हो जाएगा आपका और आपका राज्य। लेकिन यदि याद रखिए, लेकिन यदि समझ है, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड, इसीलिए परमेश्वर ने चेलों को बोला तुम्हें समझ दी गई है। क्या आपको समझ दी गई है, क्या आपके पास समझ है, कि आपके पास अभी भी कार्नल बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है। अरे तुरंत देखो क्या होता है, लोग ना बहुत जल्दी संसारिक वे में निर्णय ले लेते हैं। मान लो आपको किसी ने 10 रुपया दिया, ठीक है, आप बोलोगे अरे यार 10 रुपये को भी 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया, परमेश्वर इसके साथ नहीं है क्या, मैं अपने 10 रुपये ले लेता हूं। परमिशन नहीं बोल रहा, ये शैतान बोलेगा ले लो, क्योंकि वो जो 10 रुपए के लिए जो पेशेंस की जरूरत है वो पेशेंस खत्म शैतान करता है और आपको बोलेगा अरे अपना 10 रुपए वापस ले। मैं सोच रहा हूं कि मैं ना वो ना ऐसा 10 रुपए दे दो मेरे को अपना ये है वो है वो है, ऐसा खत्म कर, क्योंकि वो 10 रुपया आपके हाथ में परमिशन क्यों रखा मालूम है, वो किसी को देखे क्यों, क्योंकि आपका जो समय आएगा उस समय यही 10 करोड़ में बदल के जब मिलेगा। अभी हाल ही में हमारे लोगों के साथ में हुआ था, हाल ही में मतलब 2 महीने के अंदर में जितने लोगों ने अपना अपना कुछ बातों को इन्वेस्ट किया उन लोगों को पर मंथ उतना कमाई का जरिया खुल गया। एक महीने में एक बार का उनका 10 रुपया हर महीने का 100 रुपया का जैसा हो गया, हर महीने ऐसा हो गया। अभी तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके दिमाग में दिल में कुछ बातें कार्नल रीति से आती हैं तो आपके अंदर में एक समझ खुलता है, मैं क्यों ना ऐसा करूं क्यों ना वैसा करूं, और वो है आपको आपके आशीष को खत्म करने का। क्योंकि अब तक शैतान क्या करता है, आप ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सोच के सैक्रिफाइस की ऊंचाई पर ले जाएगा, फटाक से नीचे गिराएगा, ऊंचाई जाने से चुपचाप बैठता। तो वैसा ही यहां परमेश्वर क्या बोलता, देखिए यहां बोलता उस समय तक रहेंगे जब तक कि उसके दिन, हर एक का दिन आता है, आपका भी आएगा लेकिन आपका दिन नहीं आने वाला। क्यों मालूम है, आप दिन के लिए नहीं अनंत काल के लिए नियुक्त हो गए हैं, तो आपका दिन नहीं आएगा। उनके लिए अंत जैसा आता हमारा अंत वैसा नहीं है, यदि आप समझोगे तो। और तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। कैसे बनाया है इसको नबुकदनेस्सर को, नबुकदनेस्सर को बताया यहां परमेश्वर बोल रहा, अन्य जाति मूर्ति पूजा, परमेश्वर को नहीं मानने वाला, परमेश्वर मंदिर को तोड़ने वाला और परमेश्वर के पात्र को निकालकर जलाने वाला, खत्म करने वाला, उसमें उसके बाद में उसके साथ गलत व्यवहार करने वाला, संसार में जोड़ने वाला, ये सब उसके राजा को पकड़ रहम न करने वाला और परमेश्वर को मानने वाला। तो परमेश्वर की बातें तो बुरा कर रहा है, परमेश्वर उसके द्वार से इसराइल को दंड देना चाहता है,
उसको तो पूरा कर रहा है, लेकिन वो अपने हाथ उससे भी अधिक चीजों को अपनी ओर से बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ चीजें कर रहा। हम भी वैसे ही करते हैं, अपनी ओर से कई निर्णय लेते हैं, अपनी ओर से आपस में परिवार में कुछ और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं बात करता हूं तू बात कर, ऐसा है वैसा है, कटर कुटर। समय आने पर तुम्हारी कोई भी चीजों में कोई कमी परमेश्वर होने नहीं देगा वाला विश्वास नहीं है। तो क्या होता है यहां, उसके भी देश के दिन न आए तब बहुत सी जातियां, ये नबूकदनेस्सर पूरी पृथ्वी पर राज्य करने लगा, ये बड़े बड़े राजा इसके अधीन थे और ये उनसे अपनी सेवा करवाता था, बड़े बड़े राजा, यहां तक कि इज़राइल का राजा को भी इसके अधीन कर दिया। परमेश्वर अपने परमेश्वर इज़राइल को वहां क्या लिखा था स्टार्टिंग में, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा इज़राइल को बड़ा नहीं बना रहा है। कई बार अपने घरों में ऐसा होता है, घर के बच्चे जब बाहर वालों को ऊंचा उठता हुआ देखते हैं तो हमको कोई उतना वैल्यू नहीं है, बाहर वालों के इस घर में वैल्यू है करके सोचते हैं और इस कारण से आशीष को खोते हैं। यहां पर क्या है, इज़राइल परमेश्वर की मंशा क्या है ये नहीं समझने के कारण इसीलिए अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को अपने हाथों से ऐसा रोक कर बैठते हैं, रोक दिया ऐसा, आशीष आ रहा है उसको लेना नहीं चाहते। क्यों? इनकी सोच, इनकी कार्नल बुद्धि, इनकी अपनी बुद्धि, इनके काउंसिल करने वाले लोग, इनके अपने माता पिता ही इनको गलत काउंसिल दे देंगे। फिर वो बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे यार तुम्हारा ऐसा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना को जो अगर तुम समझो तो इज़राइल को भी इसके अधीन कभी कभी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के नीचे में रखा। अब देखिए क्या होता है दूसरे जो झूठे भविष्यवक्ताओं का अंत, यहां पर देखिएगा क्या होता है। तो बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा से भी अपनी सेवा करवाएंगे, ठीक है, अन्य जाति राजा को सब राजा सेवा करेंगे, परमेश्वर हमारा परमेश्वर बोल रहा है, ठीक है, हम उसको अभी अपना परमेश्वर बोलते हैं। पर जो जाति या राज्य, आठवें में लिखा है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपने कांधे पर न ले ले, उसका जुआ अपने कांधे पर मतलब उसका आदेश, उसकी अधीनता को स्वीकार न करे, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि नबूकदनेस्सर अन्य जाति राजा हमारे पर राज्य के लिए परमेश्वर की योजना है, और उसको अपने कांधे पर न ले, हम अपनी परमेश्वर के विरुद्ध होने वाले हैं अभी, ठीक है। यहां क्या बोलता है, पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर अधीन न हो, उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं, कौन मैं, सेनाओं के वह परमेश्वर यीशु जो लॉर्ड बना, लॉर्ड है, उस समय सेनाओं के वह परमेश्वर कहलाता था, वो क्या बोलता है, तलवार मतलब युद्ध, महंगी मतलब सब कॉस्टली हो जाएगा, मरी मिलेगा नहीं खाने को, का दंड उस समय तक देता रहूंगा, उस समय तक जब तक कि उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दूं, यहोवा की यही वाणी। ये अन्य जाति जो राजा है वो परमेश्वर के लोग अगर इस चीज को नहीं मानेंगे, परमेश्वर का, बाइबल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इधर में अन्य जाति को नियुक्त रखा, तो कैसे होता है, कई बार जब आपके घर में कोई दूसरा तीसरा आता है तो आपको जलन होता है। अगर परमेश्वर ने उसे नियुक्त रखा है तो तुम्हारी जलन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्या करेगा, उनके हाथ से इनको मिटा देगा जब तक कि ना मिटा दे। मैंने बोला राज्य, घर, ऑफिस, और छोटा और छोटा, अपने तुम कहीं का राजा हो, तुम किसी का अधीन हो क्या नहीं हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स एंड द इज़राइल गॉड ऑफ इज़राइल द गॉड ऑफ दिस अर्थ वर्क्स, ये समझो। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे सामने में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और तुम नहीं बने, इसकी चिंता मत करना, क्योंकि तुम भी बनोगे, लेकिन तुमको जब जिसको जो नियुक्त रखा है उसको स्वीकार करना जानो। दैट्स व्हाई वी नीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर व्हाट एवर रिलीजन दैट माइट बी, इट डजंट मीन, अभी पेट्रोल तो अरब से आ रहा, अब तो हम अरब से कोई पेट्रोल नहीं, तो खाली धक्का मार मार के गाड़ी चलाओगे। तो यहां पर क्या हुआ, मरी के दंड से, महंगी से, तलवार से, अरे हमारे घर में ना तुम विद्रोह हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, मरी हो जाएगी, घात हो जाएगा, और तकलीफ उठाएंगे, मतलब मैं तकलीफ के मतलब वो जो तकलीफ परमेश्वर ने अलाउ किया, वो जो तकलीफ तो तुमने खरीदा, वो दो अलग अलग।
हमारे कारण से होने वाला तकलीफ को परमेश्वर की ओर से अलाउ किया हुआ। जब परमेश्वर अलाउ करते तो रास्ता भी वही खोलता है, लेकिन जब ये होता है तो रास्ता नहीं खुलता, अर्थात वह अंत हो जाता है। व्यक्ति का अंत हो जाएगा, राज्य का अंत हो जाएगा, चीजों का अंत हो जाएगा, क्योंकि तुम अधीन रहना नहीं चाहते, नहीं सीखे। यहां क्या हुआ, तलवार महंगी है, मरी के दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ से जिसके अधीन। इसीलिए कई बार कई लोगों की जिंदगी में तब, जैसे मैंने कृष्णा का बताया, उसको तो हटा दिया। एक बार की बात है, विजय दादरानी करके एक मैनेजर था, मैनेजर है, था मतलब बैंक मैनेजर था, अभी किसी जगह काम करता है। तो उसके उसको उसका जो बॉस था, भिलाई में देना बैंक में था उसका बॉस, तो वो क्या किया, उसको एग्जाम लिखने जाना, तो उसको छुट्टी नहीं देना, मैं नहीं दूंगा तुमको। ऐसा कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन उसको बोला गया। मैं उसके घर में था, तो उसको मैंने बोला एक काम कर, जा चाबी दे जाके, क्योंकि पैसे के लॉकर की चाबी तीन होती है, एक मैनेजर के पास, एक वहाँ के क्लर्क के पास, ऐसा थी मैनेजर था वहाँ पर, उसका बॉस था, तीन लोग के पास, तीनों जाने से ही खुलेगा। इसने क्या किया, गलती मैंने ही बोला था, जाके जाके चाबी को प्यून को दे दो, बोलो उसको दे देना, छुट्टी तो मिला नहीं, तुम जाओ एग्जाम लिखो। एग्जाम लिखने चला गया, इसके ऊपर में शोकास नोटिस आ गया। शोकास नोटिस में बोला गया कि तुमने बैंक के लॉकर की चाबी को चपरासी के हाथ में कैसे दे कर गया, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग, फोन से भी इन्फॉर्म नहीं किया, ना किससे इन्फॉर्म किया, शो द रीजन फॉर दैट, अदरवाइज तुमको नौकरी से हटाया जाएगा। हम वहां बैठे हुए हैं, सैटरडे का दिन आया, सर शोकास नोटिस आ गया है, क्या करें। सैटरडे मैंने बोला, परमेश्वर तुमको मक्खी जब दूध में गिर जाते निकाल के ऐसा निकाल देता है ना, वैसा तुमको इस जगह से हटा देगा, तुम पर आंच तक नहीं आएगा। कि मेरे बोलने से नहीं हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर को जानता हूं, इसलिए बोला। तो बैठे थे, 11:30 बजा था रात के, तो 11:30 बजे एक मेल, उसका लैपटॉप खुला हुआ था, वहीं पर मैं बैठा हुआ था, एक मेल आया, सर एक बात देखिए क्या हुआ है, यू हैव बीन ट्रांसफर टू महासमुंद एस ए मैनेजर एंड फ्रॉम मंडे यू हैव टू रिपोर्ट इन टू द न्यू बैंक। यह है कुर्सीपार ब्रांच, और वो है वहां से 100 किलोमीटर दूर महासमुंद। ये मैनेजर की पोस्ट में ही, सेम पोस्ट बट इन ए डिफरेंट ब्रांच, ही वॉज ट्रांसफर्ड। 11:30 को आया मैसेज। बताइए सैटरडे को कौन सा बैंक खुला रहता है? परमेश्वर को सारी बातें पहले से पता। तो सैटरडे को नाइट को 11:00 बजे, मंडे को तुमको ज्वाइन करना है करके दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया। ये आदमी शोकास नोटिस लेके बैठा ही रह गया। ही वेंट टू द कुर्सीपार ब्रांच, और वहां पर जाकर के अंदर गया, तो मैनेजर, इसको मैं बदला लूंगा, इसको नौकरी खा जाऊंगा सोचकर बैठा हुआ। कंग्रेचुलेशन, आपके मेरे बराबर के पोस्ट के लिए। कुछ भी नहीं कर पाया, एक शब्द, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि आप उसको समझो। यहां क्या हुआ, यहां बोलता है, मतलब ये बैंक की बात है, आपस में चल रहा है, ठीक है, लोग सोचेंगे तुम्हारी चीजें नहीं होंगी, किसी के द्वारा से नहीं होती, परमेश्वर के द्वारा से होती है, किसी के द्वारा नहीं होती कोई काम, सारी बातें परमेश्वर के द्वारा से होती है। लोगों को लगेगा कैसे होगा, कैसे रहेगा, क्या होगा, महासमुंद ब्रांच में यहां से ट्रांसफर, नथिंग कुड, वो आदमी कुछ जो ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया। यहां पर बोलता है, लेकिन समझना है, अन्य जाति राजा को परमेश्वर नियुक्त रखा, तुमको समझना है कि उसको परमेश्वर ने वहां पर दिया है उस जगह। अगर तुम परमेश्वर को समझोगे, दानियल को ये चीज समझ में आता था। दानियल जब वहां से आया, 70 साल, जब वो 17 साल का था, 87 ईयर्स में तक वो वहीं पर रहा, अन्य जाति लोग के बीच में, राजा में, यहां तक उसका नाम भी बेलशस्सर और ये और वो नाम करके बदल दिया गया, लेकिन वहां पर वो उस उन राजाओं के अधीन रहा, उसने 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी राजाओं को बदलते देखा, लेकिन वो अपने पोजिशन पर बना रहा। यहां तक कि जब उसको मौका मिला वापस इसराइल जाने का, उसने कहा मैं नहीं जाने का, तुम लोग जाओ।
उनको दूर से जाते हुए देखा, यर्मिया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा, लेकिन उसने समझा परमेश्वर कैसा काम करता है। इन सब राजाओं को ये दानियल ने वहां पर देखा। ठीक है, यहां पर क्या बोलता है, यहां पर बोलता है कि यर्मिया 27 में पढ़ रहा हूं, यर्मिया 27 उसका 8, वहां लिखा कि जो कोई भी इसको मानेगा नहीं उसको मरी दंड तलवार, चाहे परमेश्वर के ही लोग क्यों ना हो। आप भी तकलीफ उठाओगे यदि आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे। आप बोल क्यों प्रभु, मैं तो तुझे मानता हूं, मैं तो तुझे जानता हूं, यीशु ये वही यीशु है, ये जो यर्मिया में बोल रहा है वही यीशु है जो बोल रहा है, जो शब्द परमेश्वर है जो बोल रहा है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो बोल रहा है, यही वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसके बगैर पृथ्वी नहीं बनी। तो यहां मरी और दंड के समय तक देता रहूंगा, परमेश्वर उनका साथ देता रहेगा अगर आप परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर बात करो। हम कई बार परमेश्वर के लोग हैं लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, हम अपनी बुद्धि से चीजों को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जैसा कि हमको समझ में आता, हमारे सर्कमस्टेंस, हमारी बुद्धि, हमारा चश्मा पहनकर हम चीजों को देखने की शुरू कोशिश करते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, इसके बाद बोलता है इसीलिए तुम लोग, 9 को पढ़ रहा हूं यहां, इसीलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ता और अपने भावी कहने वाले टोने तांत्रिकों की ओर चित मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं बेबीलोन के राजा अधीन नहीं होना पड़ेगा। मतलब कौन, इजरायली लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए यहां थोड़ा सा, इसीलिए तुम लोग इसराइल लोग क्या नहीं करना, अपने लोग अपने भविष्यवक्ताओं, इसका मतलब क्या, अपने भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता चीजों को समझ कर करेगा, और जो भविष्यवक्ता है जो इसराइल के चर्च के भविष्यवक्ता जो अपने आप से भविष्यवक्ता बन गए हैं, वे संसार की बुद्धि और संसार की बुद्धि के अनुसार से तुमको भविष्यवाणी करेंगे। अरे गॉड इज नॉट गोइंग टू पुट यू अंडर दैट किंग बेबीलोन बिकॉज गॉड इज ग्रेट एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ही इज द गॉड ऑफ इज़राइल, सो इज़राइल विल नेवर गो अंडर बेबीलोन। दिस इज अ रॉन्ग प्रोफेसी, गलत प्रोफेसी है। तुम परमेश्वर के हो इसलिए तुम किसी के अधीन नहीं होगे। किसने कह दिया, परमेश्वर की योजना को समझो, उसकी योजना तुम्हारी जिंदगी की छोटी सी रेलगाड़ी चुक चुक वाली जो खेल वाली रेलगाड़ी है, इससे बेहतर बड़ी योजना का भागीदार हो, इसको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have to understand for the vast and the bigger vision that God has kept for you and for your people. It is not just your life. If you are going to think about just for your life under your selfishness, अरे प्रभु मुझे ऊंचा करते, ओ प्रभु मुझे ऐसा करते, मुझे वैसा करते, हे प्रभु मैं यीशु के नाम से मांगता हूं और मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब झूठी भविष्यवाणियां हैं। किसने कह दिया, इसीलिए तो बोलता है शांति शांति, कौन है वो भविष्यवक्ता जो शांति की बात करता है, कहां है शांति, आपके जीवन में इशू आएगा तो शांति आ जाएगी। अरे तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि असली शांति के लिए नकली शांति को तोड़ना जरूरी है। पल भर की चीजों के लिए, धोखे के लिए, पल भर का धोखा है, पल भर का फालतू का धोखा, फालतू की शांति, फालतू की एकदम, हाँ मेरा परिवार, हाँ कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अरे झगड़े को होने दो, सच्चाई को जाओ, फालतू के सप्रेस करके चीजों को दबा दबा कर ऐसा वैसा मत होने दो, परमेश्वर को घुसने दो, अंदर की बीमारी हटने दो, आप अंदर के फोड़े निकलने दो, फिर सूखने दो अंदर के डिप्रेशन। इसीलिए डिप्रेशन होता है, इसीलिए अकेलापन होता है, नहीं तो परमेश्वर हमें अकेला कब छोड़ा। यदि हमने परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, तो हम डिप्रेस्ड हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, कह रहे हैं, तो असल में अगर आप इस तरीके से जानेंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं हो, बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट योर लॉर्ड एंड योर गॉड इज विथ यू इन ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू थिंक एंड थिंक इन सच ए वे। ऐसा सोचो
मानो परमेश्वर ने सोचा है। यहां पर क्या देखा, अपने ही लोगों को न, अभी बताइए इससे थोड़ा आगे हम चलेंगे तो इजरायली लोगों के अंदर की सोच क्या रही होगी, सोच ये रही होगी इजराइल का राजा वहां पर बैठा हुआ है, राज्य चल रहा है और वहां का भविष्यवक्ता खा रहे हैं और धन्यवाद प्रभु आज के भोजन के लिए धन्यवाद और आशीष के लिए धन्यवाद और वैसा धन्यवाद और ऐसा धन्यवाद कह रहे हैं। लेकिन जरा मैं आपको दिखा दूं कि कौन सी जगह में क्या हो रहा है, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के बाद क्या बोलता है, आज भी सेम चीज इज हैपनिंग इन द कॉन्ग्रीगेशन एंड द चर्च इन मोस्ट ऑफ द 98% ऑफ दिस वर्ल्ड। इंग्लैंड के अंदर में तो सब रिलीजन छोड़ चुके हैं, चर्च छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी आर नॉट सेंसिटिव टू व्हाट गॉड इज स्पीकिंग टू अस। यहां बोलता है क्या बोलता है, नौ में, तुम इसीलिए, दैट्स व्हाई, इसीलिए तुम यू इज़राइली, तुम जो मसीही लोग हो, तुम जो विश्वासी हो, तुम अपने लोग, अपने भविष्य, अपने, तुमने जो अपने आप ये भविष्यता अपोस्टल जिसने ओ प्रॉफेट, ये अपनी अपनी बातों को लाकर 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 ठूसेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं, अपनी बातें, अपनी बुद्धि की बातें, संसार की बातें, हिस्ट्री की बातें, सिविक्स की बातें, साइंस की बातें, रिलीजन की बातें, भगवत गीता और उसका इसका मिलान करके भगवत गीता के परमेश्वर की बातें उसमें से निकाल कर बताए तो कोई बात नहीं, तो उसको तुम सच बता करके तुम यहां पर कुछ घुसाओगे, इसका क्या मतलब है। मैं क्या श्लोक नहीं बोलता, बिल्कुल बोलता हूं, बहुत सारे श्लोक बोलता हूं, लेकिन उसका मैं कंपैरिजन के लिए बोलता हूं, उसको मैं निकाल कर यहां आकर ये परमेश्वर है नहीं बोलता, परमेश्वर की बात वहां भी है, ऐसा नहीं है नहीं है करके, इसीलिए तो बोलना हर जगह में परमेश्वर की बात है, उसको दबाया गया है अलग तरीके से समझने के लिए, हमारी समझ को खोला गया है अलग तरीके से समझने के लिए। यहां बोलता है इसीलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं, मतलब डोंट गो टू योर काइंड ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ गॉड काइंड ऑफ प्रॉफिट, यर्मिया Here is a God kind of prophet. He is God's prophet. Jeremiah जो किताब है, जो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का prophet है। ये बोल रहा है, तुम अपने भविष्यवक्ता, बहुत भविष्यवक्ता के नाम से हजारों, लाखों हो सकते हैं। क्या उसके बावर और भावी कहने वाले, ओ मैं देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, वो देख नहीं रहे हैं, उनको दिख रहा है, जो दिख रहा है वो देख रहे हैं, जो परमेश्वर दिखा रहा है उसको समझ नहीं रहे हैं, ये है भावी कहने वाले। भावी कहने वाले कौन है, आगे की बात बताने वाले, जो उनको मतलब मैं उनको इल्जाम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, क्यों, व्हाट दे आर सीन दे आर, but the only problem is it's the source of that sight and the vision is not God, ठीक, क्योंकि ये पॉलिसी के विरुद्ध लग रहा है यर्मिया की बात। यर्मिया बोल रहा है परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर अन्य जाति राजा जो मूर्ति पूजक उसको अपना दास कहा और पूरी पृथ्वी को उसके अधीन कर दिया। यर्मिया झूठा हट, यर्मिया कहीं का तू झूठा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज यू हैव ए प्रीडोमिनेटेड नोशन इन योर माइंड, तुम पहले से ही परमेश्वर की और उसकी राज्य की और उसकी बातों को अपने दिमाग में अपने तरीके से बुनकर रखे हो, इस कारण से परमेश्वर की ये बात जब आ रही है ये बात तुमको स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं, संसार और संसारिक आत्मा और संसारिक ज्ञान और संसार स्पिरिचुअलिटी में, ओ आई हालेलुया आमीन लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस में घुस गए हो, परमेश्वर योजना को समझते नहीं, इसलिए कहते हो यह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, यार परमेश्वर ने उसी को नियुक्त रखा तो क्यों नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, मूर्ति पूजक हो या ना हो, इफ यू आर कनेक्टेड विद गॉड यू विल नो हिज विल एंड यू विल नॉट प्रोफेसी ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए मेरी बातें जब मैं कहता हूं बड़प्पन या घमंड के अनुसार से नहीं, परमेश्वर की ओर से जब होती है तो वो पूरी हो जाती है।
इन बातों को बोलकर मुझे घमंड नहीं करना, ना ही मुझे नाम कमाना। ओह, आई नीड नॉट हैव टू शो ए सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ दैट आई एम ऑफ गॉड। नो, आई डोंट बॉदर ऑफ टेलिंग एनीवन, नॉट शोइंग एनीवन, जस्ट लेट हिम नो इफ आई एम ऑफ हिज, और अदरवाइज नो, नो नो वन ऑन दिस अर्थ। तुमको दुनिया को दिखाना है कि तुम परमेश्वर के जन हो, क्योंकि तुमको दुनिया से चाहिए। क्या दुनिया से क्या चाहिए? नाम, शौहरत, इज्जत और जो कुछ भी तुम कमाते हो, इसके आधार पर दिखाने की कोशिश करते हो। मुझे ना तो कमाई से दिखाना, ना नाम से दिखाना, ना शौहरत से दिखाना, किसी से भी नहीं दिखाना। आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट माई लॉर्ड इज ए लिविंग गॉड। वॉट ही टेल्स आई हैव टू, अदरवाइज नाम गया भाड़ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पुकारे नहीं पुकारे, माला पहना है नहीं पहना है, ये एटीट्यूड होना जरूरी है। मैंने सिर्फ सीखा, लोग तुमको इज्जत नहीं देंगे, चलेगा, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन दिलाने की कोशिश करेगा उस दिन कोई रोक नहीं सकता। मैंने लोगों को मरने के पहले अब मेरे पैर को पकड़ के गिड़गिड़ा कर रोते हुए देखा, इससे मुझे और भी ज्यादा डर लगता है कि हमें अपने जिंदा परमेश्वर सामने कैसा रहना चाहिए। डरने का विषय है यिर्मयाह, डर में डरने का विषय है। यिर्मयाह बोल रहा है वो बात जो संसार का एक्सेप्टेबल नहीं, इज़राइल की संसार, हर एक अपना अपना संसार, ईरान की अपनी संसार है, इज़राइल का अपना संसार है। इज़राइल का संसार में इज़राइल का राजा बैठा हुआ है, राजा नियुक्त है, और ये बोल रहा है परमेश्वर उभार रहा है, ए इज़राइल के राजा इसके अधीन हो जा, परमेश्वर चाह रहा है, ये बोल रहा। नो नो नो, चर्च के अंदर में क्या होता है? चर्च के अंदर में होता है, ओ यू नीड नॉट हैव टू डू दीज थिंग्स, यू आर गॉड चिल्ड्रन, नो दैट इज व्हाई यू हैव टू कम अगेंस्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, प्रे अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। बोल देंगे करते हैं विल ऑफ गॉड के अगेंस्ट प्रेयर, सोचते हैं वो परमेश्वर के अनुसार प्रेयर कर, लोगों को लगता है कि परमेश्वर का अधीन है, असल में वहां अधीन रहकर परमेश्वर के विरोध में दीमक के जैसा। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की योजना, खुद के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य, जो असल में ब्लेसिंग, जो पैसे के आधार पर तुम सोचते हो, असल में तुम्हारे इनबिल्ट आधार पर तुम्हारी ब्लेसिंग्स असल में बढ़ती है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की आत्मा के कार्य पूरे होते हैं, उसके बाद मन के कार्य पूरे होते हैं, उसके बाद संसार के कार्य। यीशु पहले आत्मा में आया, फिर संसार में उसके मन की बात मुताबिक पूरा किया, परमेश्वर की मनसा को पूरा किया, मरना पड़ा, जिंदा हुआ, अब संसार में वापस आने वाला है। यह उसका फॉर्मूला है, यह उसका तरीका है। कभी भी ऐसा सोच करके मत बैठ जाना ये गया काम, कभी परमेश्वर लोग गए काम से नहीं होने वाले। वो दिन आता है जैसा उनका अंत होगा, वो दिन आता है इनका उत्थान भी। कलीसिया तुमको गलत तरीके से ना समझाए, हर बात में विश्वास 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 करो तो हो जाएगा, विश्वास करो तो होगा, परमेश्वर की मनसा के अनुसार विश्वास करो तो। अब मैं ये माहौल को आज के डेट में लेके आता हूं, हम इज़राइली है, यिर्मयाह हमसे आकर बोल रहा है, अरे एक मूर्ति पूजक राजा तुम पर राज्य करना चाहता, परमेश्वर चाहता है तुम उसके अधीन हो जाओ, हम में से कितने हैं जो उसको मानेंगे? वही जो परमेश्वर को जानता है, अर्थात बाकी सबके लिए वो यिर्मयाह झूठा भविष्य होगा, सबके नजर में झूठा भी शब्द। क्यों? वो जो बोल रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे कैसे हो सकता कि परमेश्वर लोग एक मूर्ति पूजक के अधीन में हो जाएं? लेकिन परमेश्वर वही चाहता है धर्म, परमेश्वर ने बोला तुम अधीन हो जाओ। अब वहां पर आती है दंड की स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, ये हद पार कर गए, यहां तक इनके बच्चे भी मारे गए, के राजा के राज्य भी चला गया। देखिए मैं पढ़ता हूं, देखिए उसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें इसमें। क्योंकि तुम में से झूठे भविष्यवक्ता भावी कहने वाले और टोनहे और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ। मतलब इज़राइल में कौन कौन थे झूठे भविष्यवक्ता? थे झूठे भविष्यवक्ता नहीं लिखा, वहां लिखा तुम्हारे विषय को झूठे भविष्यवक्ता, भावी कहने वालों, आगे की बातों को बताने वाले, मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, कुछ दिख रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, उनको वही दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो दिखा रहा वो नहीं दिखेगा। टोनहो तांत्रिकों की ओर, मतलब ये टोन है तांत्रिक
और ये और वो भी बताते हैं, लेकिन वो सच पता नहीं चलेगा। एक समय आता है परमेश्वर, कुछ कुछ बातें सच होंगी, ठीक है, जैसे आपका उस सड़क उसके मोड़ में आपका एक दोस्त खड़ा है, बोला दुकान खुला है क्या भैया? हाँ हेलो, हाँ दुकान खुला है। अच्छा ठीक है, तो आप विश्वास के जाए दुकान खुला हुआ है। भावी कहने वाले दुष्टात्मा के द्वारा, हाँ वहां पर ये काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा होता है, दुष्टात्मा दुष्टात्मा को बात करके आपस में भावी कहते भावी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। वहां भावी योगी का कोई मतलब ही नहीं है, वो सोचेंगे कुछ और होगा कुछ। वहां चाहिए परमेश्वर के लोग, वहां चाहिए असली, वहां चाहिए समझ, वहां चाहिए तुम्हारी समझ। परमेश्वर क्यों बोल रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहा है वही बहुत बड़ी बात है, उसको सुनकर क्वेश्चन ना करते हुए आने की तैयारी। वो कह दिया मतलब हो गया, वहां अन्य जाति आएगा तो आएगा, बात खत्म, वहां क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। ऐसा मच्छित मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा। ये कैसे कह रहे हैं अपने आप को, बहुत धर्मी लोग, ओ इस ए फॉल्स प्रॉफिट, रवि सॉलोमन इस ए फॉल्स प्रॉफिट। हर बार 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 कितनी बार हारोगे भाई, कितनी बार 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 हर बार हर बार इसी से तुमको पंगा लेना है, हर बार इसी के विरोध में बात करके उल्टा बात करना है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे अंदर भावी कहने की आत्मा है। तो तुम क्या करोगे, गलत गलत बोलोगे जब होगा ही नहीं, और वही होगा जो परमेश्वर बोलता है, वही होगा जो परमेश्वर बोलता है। तब मत कहना ये परमेश्वर ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो तुझे मानता हूं जानता हूं कानता हूं मूनता हूं। यहां पर लिखा है सावधान जो तुमसे कहते हो, रे 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 हमारा इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल को कभी उसके अधीन नहीं होने देगा। किसने कह दिया? परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें अधीन रखना है, तुम्हें अधीन होना, उसके पीछे की योजना है। तभी तो आज जो इज़राइल है वो आज का इज़राइल, तभी जब उससे वहां होना पड़ा। परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? तो